वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के दो लजीज व्यंजन। पहला है बेसन का चीला। तो चलिए चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप बेसन ले लिया है और 1/4 कप सूजी लिया है। अब मैं उसमें नमक, हल्दी और अजवाइन क्रश करके डाल दिया है। इन सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं पानी की मदद से इसका घोल तैयार करूँगी। हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। अब मैं इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1/4 चम्मच जितना इनो ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने तवा अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसे ही तवा अच्छे से गर्म होएगा, हम उसमें एक छोटा चम्मच डाल देंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे और इसको ऊपर से थोड़ा तेल डाल के हम इसको ढक के पकाएंगे। एक तरफ हो जाने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। अब दोबारा हम इसे ढक देते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। इसी तरह मैं दूसरा एक और आपको करके दिखाती हूँ। मैंने तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद मैं एक चम्मच की मदद से इसको इसे फैला दूँगी। तेल डाल के इसे थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख दूंगी और दोबारा इसको खोल के इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी पका लूंगी। हमारे गर्मा गर्म चीले बन के तैयार हैं। इसे मैंने चटनी और हरा धनिया के साथ सर्व किया है। हम अब बनाने जा रहे हैं ढोकले की रेसिपी। ढोकले बनाने के लिए मैंने बेसन को बहुत अच्छे से छान लिया था। अब मैं उसमें नमक और चीनी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 1/2 कप जितना दही मिला दूंगी, 2 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी और 1/2 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। इन सबको पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें फेंटना है। हमें करीबन 10 मिनट इसको फेंटना है। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में स्टैंड रख के प्लेट को ग्रीस कर लिया था। अब मैं दोबारा एक बार इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जितना इनो ऐड कर दूँगी। इनो डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। जैसे इनो डालेंगे आप देखेंगे पूरा मिश्रण एकदम फ्लफी हो गया है। अब हमें इसे फटाफट एकदम गरम प्लेट, जो उसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा था, उसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है। अब मैं इसको करीबन 20 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाऊँगी। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं चाकू घुसा के देख लेती हूँ। चाकू अगर क्लियर आता है मतलब हमारा ढोकला बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हमें ठंडा कर देंगे और इसको अब बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए मैंने राई, सरसों, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, को डाला है। जैसे ही राई चटकने लगेगी उसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे, हरी मिर्च और करी पत्ता। इन सबको हमें कुछ देर अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड कर दूंगी और 1 बड़ा चम्मच चीनी। इंस्टेंट डोसा में नमक, शक्कर और चीनी का घोल डालना जरूरी है। हमारा बघार तैयार हो गया है। अब हम ढोकले को बाहर निकाल के देख चेक करेंगे। मैंने एक प्लेट ले ली है। थाली को हम पलट देंगे। अब देखिए कितना जालीदार ढोकला दिख रहा है। अब मैं चाकू की मदद से पहले इसके कट लगा लूँगी। शेप आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। अब जो गरम तैयार बघार हमने बनाया था उसको अब इसमें डाल देंगे। इसे 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम रखने के बाद आप देख सकते हैं सॉफ्ट और टेस्टी ढोकला बन के तैयार है। इन दो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।